हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर आई एम विनीता एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट एडवर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। इन दीज पिक्चर्स व्हाट डू वी सी? पास मी द चॉकलेट प्लीज, प्रज्ञा सेड स्वीटली। प्रज्ञा ने स्वीटली कहा कि मुझे चॉकलेट पास कर दो प्लीज। एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर, आई एम द फास्टेस्ट रनर इन स्कूल, इमरान रिप्लाइड प्राउडली। इमरान ने प्राउडली रिप्लाइड किया कि मैं स्कूल में फास्टेस्ट रनर हूँ। तो इन दोनों पिक्चर्स में सेड क्या है? सेड और रिप्लाइड दोनों वर्ब हैं और स्वीटली और प्राउडली एडवर्ब्स हैं जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ अधिक बताते हैं। बहुत से एडवर्ब जो होते हैं वो ly में ही एंड होते हैं, मतलब ly लगा के बनते हैं, लेकिन सभी एडवर्ब के एंड में ly नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल्स, अमित फिनिश्ड हिज होमवर्क क्विकली। यहाँ पर फिनिश्ड एक वर्ब है और क्विकली एडवर्ब है। द वुमेन एंग्रीली शाउटेड स्टॉप इट। यहाँ पर एंग्रीली एडवर्ब है। द रेन स्टॉप्ड सडनली। यहाँ पर सडनली इज एडवर्ब। इन सेंटेंसेस में क्विकली और सडनली वर्ब को डिस्क्राइब कर रही हैं। एक एडवर्ब यह डिस्क्राइब करता है कि कोई एक्शन कब, कहाँ और कैसे हुई। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो व्हेन एन एक्शन और समथिंग इज डन और हैपन्स। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, मीन एडवर्ब ऑफ टाइम शो करता है कि कोई एक्शन कब हुई। फॉर एग्जाम्पल्स, शी हैज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड द वर्क। आई सॉ हर वॉकिंग अलोंग द रिवर लास्ट वीक। आई विल गो फॉर शॉपिंग टुडे। तो यहाँ पर ऑलरेडी, लास्ट वीक एंड टुडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये एक्शन को बता रहे हैं कि ये कब फिनिश हुई। लेट, नाउ एंड सून आर ऑल्सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस शो वेयर एन एक्शन इज डन और हैपन्स और विल हैपन। इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस यह शो करता है कि कोई एक्शन कहाँ हुई, कहाँ हो रही है और कहाँ होगी। फॉर एग्जाम्पल्स, दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड। वे सभी बाहर खड़े हैं। इसमें यह पता चल रहा है कि सभी लोग कहाँ पर खड़े हैं? बाहर, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस शो कर रहा है। द कीज मस्ट बी अराउंड हियर समवेयर। तो यहाँ पर समवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो हाउ एन एक्शन और समथिंग इज डन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो करता है कि कोई एक्शन कैसे हुई। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। इट इज़ यूजुअली प्लेस जस्ट आफ्टर अ वर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में वर्ब के आफ्टर रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आई वेटेड पेशेंटली फॉर माई टर्न। रतन रिएक्टेड एग्रेसिवली। इन सेंटेंसेज में पेशेंटली और एग्रेसिवली एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं जो कि वेटेड और रिएक्टेड जो कि वर्ब हैं उसके बाद यूज़ किए गए हैं। ये दोनों सेंटेंसेज से हमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में है कि मैंने अपने टर्न का पेशेंटली वेट किया। रतन ने कैसे रिएक्ट किया? एग्रेसिवली। एडवर्ब ऑफ
डिग्री और क्वांटिटी. एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट डिग्री और हाउ मच. मीन एडवर्ब ऑफ डिग्री से पता चलता है कि कितनी कोई एक्शन कितनी मात्रा में हुई. टू व्हाट डिग्री मीन कितनी मात्रा एंड हाउ मच कितनी हुई. इज यूजुअली प्लेस बिफोर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. और ये जो एडवर्ब डिग्री और क्वांटिटी हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब के बिफोर यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्जांपल्स, फूड इज़ ऑलमोस्ट रेडी. फूड लगभग तैयार है. इट इज़ टू डार्क फॉर अस टू सी एनीथिंग. यहाँ पर टू डार्क के बिफोर यूज़ किया गया है क्योंकि यह बता रहा है कि अंधेरा बहुत अधिक है, मतलब अंधेरे की मात्रा को बता रहा है. आई टोटली डिसएग्री विद मैरी. तो यहाँ पर टोटली डिसएग्री को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं मैरी से कितना डिसएग्री हूँ. टोटली मीन पूरी तरह से, ठीक है. तो इसमें टोटली एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन. इट टेल्स अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. ये एक्शन की फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल्स, ही नेवर फिनिशेज हिज होमवर्क ऑन टाइम. वी ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस. आई विजिट माई सिस्टर फ्रीक्वेंटली. वी ऑफन प्ले स्क्रैबल. तो यहाँ पर नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली एंड ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं. इंटरोगेटिव एडवर्ब. इंटरोगेटिव एडवर्ब आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी एंड रीजन एंड आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस. व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. इंटरोगेटिव एडवर्ब्स टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी और कोई रीज़न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं. मीन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. तो इसके लिए हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ. फॉर एग्जांपल्स, हाउ डिड यू डू दिस, व्हेन विल यू रीच, वेयर इज रिजवान, व्हाई इज ही लेट. तो यहाँ पर हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये इन सभी से पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है. तो अब आपको एडवर्ब के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.